नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ट्विंकल और आप देख रहे हैं जेड टीवी न्यूज 24। तो आइए रुक करते हैं आज की दिन भर की छोटी बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं हूं मुबीना महक और आप देख रहे हैं जेड टीवी न्यूज 24। आवास के लिए तरस रहा गरीब परिवार, नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। मुरादाबाद जनपद के विकास खंड मुंडा पार्टी की ग्राम पंचायत दुलारी का मजरा का मामला सामने आया, जहां आज तक गरीब परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। आपको बताते चले कि आज भी ब्लॉक मुंडा पांडी के ग्राम पंचायतों में बहुत से ऐसे परिवार मिलेंगे जो आज भी कच्ची छतों में जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। गांव की ही नवाब पत्नी जैनब ने बताया कि हमारा 9 सदस्यों का परिवार है और हम कच्चे मकान में रह रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री आवास के लिए कई बार ग्राम प्रधान और ब्लॉक के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन हमारी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया और ना ही हमें सामुदायिक शौचालय का लाभ भी नहीं मिला, जिसमें हम कच्चे मकान में रहकर गुजर बसर कर रहे हैं और मजदूरी करके अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। वहीं दूसरी ओर नबी हसन पत्नी जकिया ने बताया कि बरसात के चलते हमारे मकान की दीवारें गिर गईं और छत की कड़ी टूटकर गिर गई इसी मकान में, और मेरे पति और बच्चे गुजारा कर रहे हैं। कई वर्षों से ग्राम प्रधान और ब्लॉक के अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते चले आ रहे हैं कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जल्दी मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब चुनाव का वक्त आता है तो बड़े बड़े वादे करके वोट हासिल कर लिया जाता है, लेकिन जीत जाने के बाद इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। दोनों लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री आवास के लिए मदद की गुहार लगाई है। जनाब, ये मकान जो गिरा, कैसे गिरा है आपका? अच्छा, आप कहाँ सो रहे थे जब मकान गिरा? तो आप कैसे निकले? बाहर वालों ने निकाला हमें, आनकर बाहर से। अच्छा, क्या करते हैं आपके हस्बैंड? कोई जमीन उमीन है आपके नाम? अच्छा, जो राशन पानी है, कपड़े लगते, वो सभी से किस गांव का मामला आए, कौन सा गांव? आपने अधिकारियों से बोला था, वो लेकिन हमें आवास के लिए क्या बोलते हैं अधिकारी? कहते हैं बोले आ जाएगी आपकी कॉलोनी, आ जाएगी, अब तक भी नहीं आई है। चार पाँच दफा लिखवा, परेशान है खाने वाने से ही, परेशान है हमारे घर में खाना ही नहीं है। बच्चे भी अभी तक हमारे भूखे ही हैं, ऐसे खाना तक नहीं। आपका जकिया, क्या मामला है, कैसे मकान गिरा आपका? मकान तो हमारा गिरने में ही था और वो बारिश पड़ी, कई दिन हो गए, 3 दिन हो गए। हमारे बच्चे डर के मारे उधर ले गई मछली चिखाने की तरफ, और बच्चे डर के मारे आ रहे नहीं, रात से खाना नहीं खाया हमने। अच्छा, क्या क्या सामान दब गया आपका इसमें? इसमें हमारा फर्नीचर सब, खाना पीने का बर्तन सब भाड़े सब बहुत नुकसान हो गया। अरे, कितने दिनों से ऐसा मकान है आपका? 5 साल से। आपने किसी अधिकारी से शिकायत करी थी? अधिकारी मेरा आदमी इतना जाते हैं कि किसी से हर किसी से किया है, मगर किसी की सुनवाई नहीं है, और मेरा आदमी है सीधा। अगर इसमें कुछ दुर्घटना हो जाती, कोई बच्चा उच्चा या कोई दब जाए, तो किसकी जिम्मेदारी होती? किसकी जिम्मेदारी होती? सरकार की होती। गरीब आदमी, मेरा आदमी मजदूरी करते हैं, और ये समझ लो मेरा आदमी के छाले तलक का पड़ता है, पैर तलक का है, मगर कोई सुनवाई नहीं है। आज ये ऐसा हो गया, और शुक्र मनाओ कि मैं कहाँ लेट पड़ गई, गर्मी ना गिल्ली में पड़ी गई, और मैं देखा मकान गिरा तो एकदम मेरे को लेट गई बारिश में। मेरे वहाँ बच्चे डर के मारा आए नहीं, मैं बुला रही हूँ, नहीं आ रहा रात से भूख है मेरे बच्चे। अच्छा, किस गाँव का मामला आए? बुलाड़ी का मंजरा मुंडा पांडा।